चलिए तो इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दतिया के इंदिरागढ़ के शासकीय पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई एक छात्रा को तीन बदमाशों ने कॉलेज के बाहर से जबरन गाड़ी में बिठाकर डबरा ले गए। यहां छात्रा के साथ तीनों ने गैंगरेप किया है और दूसरे दिन इंदिरागढ़ के कोडर सरकार मंदिर पर छोड़ गए हैं। घटना अक्टूबर की है। घटना से छात्रा डर गई थी। मंगलवार को वे पिता के साथ इंदिरागढ़ थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंदिरागढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर दतिया से, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डबरा में छात्रा के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला सामने आया है। ऐसे में पीड़ित छात्रा ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कॉलेज के बाहर। वो पीजी कॉलेज इंदिरागढ़ में एडमिशन के लिए आई थी। उसी एडमिशन के दौरान पूर्व से उसका परिचित रतन जाटव और पिंकी रावत धर्मजीत ये वहां पर खड़े मिले, जिन्होंने फोर व्हील में सफेद रंग की फोर व्हील थी उसको लेके उसको बगैर मर्जी के और डबरा लेके गए। डबरा में रुके, वहाँ पर उसके साथ में गलत कार्य किया और जब लड़की को छोड़ दिया गया तो उनके चंगुल से छूटी तो उसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट की गई। उस आधार पर अपराध पंजीकृत कर लिया गया। कितने आरोपी हैं वो, क्या इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आरोपी तीन हैं, तीनों के लिए थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ में दबिश दिए, अभी एक्सकाउंट किए हुए हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सख्ती से कर। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अपडेट है? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? फिलहाल पुलिस जो है वो जो आरोपी है उनकी तलाश कर रही है और दबी से दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। लेकिन पुलिस कह रही है कि जल्द ही ये ना जो आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। चूंकि मामला संगीन है इसलिए पुलिस भी इसमें तत्परता दिखाते हुए मामले को देख रही है। जी जितेंद्र, ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ये मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो लड़की है उसने जो शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, जो तीन लोगों ने किया है, उसे अगवा कर उसे डबरा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने उसे वापस इंदिरागढ़ छोड़ा, जहाँ से जो युवती है वो अपने घर पर गई है और दरी सहनी हुई थी। तो उसके बाद उसने जो उसके पिता को पता चला तो उसने शिकायत दर्ज कराई और कहीं जाकर तब मामला खुला और पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश कर रही है। ठीक जितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।